नहीं, आज हम लोग इतने टाइम बाद कॉलेज आए हैं ना, रोल नंबर याद है नहीं, बैच का देख कौन से बैच के चले हुए। एक दफा जरा इधर घूम लेते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो अभी टाइम हो रहा है 9:55, 10 बजने वाले हैं और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आई हुई है रमना और रीता। तो ना मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया कि रमना की शादी है, तो उसके चलते बहुत सारा काम है उनको बाज़ार में और उन्होंने मेरे को भी कॉल करा। और मैं ना 3-4 दिन से ऐसे ही थी, बस इसी बिस्तर पे पसरी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी ना। तो फिर आज मेरे को ऐसा लगा कि चले जाती हूँ, थोड़ी फ्रेश भी हो जाऊँगी, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, तो चलिए चलते हैं। और क्यों, नहीं वीडियो के लिए मैंने बोला था बट मैं नहीं शूट कर पाई उसको, क्यों, क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा है आजकल वीडियो वगैरह बनाने का। मैं बस पूरा दिन वॉक कर लेती हूँ पहले। पूरा दिन मतलब बहुत आलस आता है और शर्ट पसीने यहीं पर शुरू हो गया है देखो आना। तो बस ये 2-4 कपड़े हैं मेरे पास आजकल जो मेरे को अच्छे से फिट भी आते हैं और मेरे को कंफर्टेबल भी फील होता है इनमें ही, तो मैं यही पहन के जा रही हूँ। बाय बाय। अब निकलते ना मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, उन्होंने मेरे को काफ़ी पहले कॉल कर दिया था बट मैं होते लेट हो ही गई। अब आपको सीधा मिलती हूँ मार्केट पहुँच के। बाय। हाय गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ और ये लोग मेरे को मिल चुके हैं, मतलब सीधा शॉपिंग करने धड़ाम से, ऐसे तगड़ी वाली शॉपिंग हो रही है इनकी। मैं दिखा दूँगी आपको क्या क्या ले रहा, अगर ले लिया तो भी दिखाऊंगी, अगर नहीं लिया तो दिखा दूंगी। अभी तो हील्स वील्स देखे जा रहे हैं, ये देखो अच्छा है, लाइट वेट है ना, लाइट वेट है, कम्फर्ट है चलने के। हेलो दुल्हनिया। फिर बस हम लोग ऐसे ही भटक रहे थे बट हमारी इसको कहीं भी शूज़ पसंद नहीं आ रहे थे, जैसे इसको चाहिए थे वैसे मिल ही नहीं रहे थे। मैंने कहा शूज़ को हमारा गोली, पहले ना आराम से बैठ के मिठाई खा लेते हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पूरा मार्केट में घूम घूम के इतना भटके और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राइड की शॉपिंग हो रही है, ब्राइड के साथ साथ हम सही, मेरा ना बहुत मन था इसकी शादी में जाने का बट मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि एक तो इसकी शादी घर में नहीं, इसकी शादी कहीं बाहर हो रही है होटल में, और फिर इस वजह से भी नहीं जा पा रही हूँ मैं। और ये हमारी सखी पूरी की पूरी प्लानिंग शॉपिंग वॉपिंग कर रही है, तो अभी भी हम इधर देख रहे हैं इसके लिए। अगर इसको कुछ डार्क दिखा रहे, डार्क में बोल रहे, इतना डार्क नीचे लाइट दिखा रहे, लाइट बोल इतना लाइट नीचे, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। इसको चाहिए ऐसा कलर, कैसा नहीं, को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा बट हमें पसंद आ रहा है बहुत कुछ। पकड़ क्यों आए हैं ब्राइड के साथ, थोड़ा गोरा चिट्टा होने, खुद भी थोड़े से हम हो जाते हैं, मतलब ब्राइड नहीं हो रही, गोरी चिट्टी हम हो रहे, ठीक है समझ लो, क्योंकि हमारी ब्राइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुंदर है। आज हम लोग इतने टाइम बाद कॉलेज आए हैं ना, 22 साल से याद ही नहीं है, नहीं रोल नंबर याद है नहीं, बैच का देख कौन से बैच के चले हुए थे, नालायक बच्चे। अभी तो एकदम खाली है कॉलेज, मतलब ये होता है ना जब भी कॉलेज आते हैं तो वो सारे पुराने वक्त याद आता है, ज़्यादा तो मुझे ये पीजी टाइम का याद आता है जब हम मास्टर्स कर रहे थे, वो सारे दोस्त बस इधर बैठे रहते थे, हम लोग पढ़ते भी थे बट बैठने का जगह हमारी ये होती थी। और बस एक दफ़ा ज़रा इधर घूम लेते हैं कैसा उफ, मुझे तो अपने सारे दोस्तों की यादें आ रही है। उनके लिए आए वो कर लेते हैं पहले, बाकी घूमती बाद में। बाय बाय बाय। ये शर्म आ रही है गाइस, बाय। बारिश होने वाली है, ठीक है बाय। ओके बाय, चले जाइए ना, मैं चले गए, अब मैं अभी निकलती हूँ रूम की तरफ, हाय बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे अभी ना रूम पहुँचने के बाद हो, क्योंकि मैंने वहाँ कपड़े डाल रखे हैं बाहर, मुझे डर था ये गेट पता नहीं खुला होगा वरना मुझे वापस जाना पड़ता पूरा, तो चलो खुला है तो यहीं से निकलती हूँ। अब
वरना मेरे को अगर ये बंद होता ना पूरा घूम घूम के वापस आगे होके दो रुपये निकलना पड़ता। अभी यहीं से जाऊँ। डार्क सर्कल देख रहे हो इतने ज़्यादा, अभी इतने है ना बेबी होने के बाद पता नहीं कितने हो जाएंगे डार्क सर्कल मेरे। तो अभी ऐसा कुछ करते हैं, चेंज वेंज मैंने कर दिया, फ्रेश हो गई मैं अच्छी तरह से, एक डेढ़ घंटा हो गया मुझे लेटे लेटे। और अब लंच ही समझो, लंच करते हैं, भूख लग रही है मेरे को। मैंने बस चावल डाले, मैंने अभी दाल खानी है, दाल चावल खाने का बहुत मन हो रहा है मेरे को यार। इस तरह से देखो कितने लग रही है डार्क सर्कल मेरे। अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और दलजीत चले गए हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, वो थोड़ी जल्दी खाए थे, उन्हें सुबह सुबह मेरे से खाया नहीं जाता। मतलब मेरे ऐसे तो मेरे ये रहता है कि हम साथ में ब्रेकफास्ट करें क्योंकि अकेले खाने का मन नहीं करता, फिर बट वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को भी अब भूख भूख से लगने लग गई है, थोड़ी देर पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स खाए थे तो थोड़ा सा टाइम फील हुआ था। अब मैं अभी खाना खा लेती हूँ, हमने बनाई है गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी, तो खाना खा लेते हैं अभी। मेरा अभी का खाना, मैं सब्जी लिया है, थोड़ा सा बटर लिया है और चावल के साथ खा रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है दही। तो फटाफट से इसको निपटाते हैं, फिर आपको मिलते हैं खाने के बाद, क्योंकि खाते वक्त तो हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पड़ता है। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी यहाँ मेरे इस वाले ने पेंट निकाली हुई है, मैं सारे से खुरच रही थी पर सारे से निकली नहीं, इससे ही निकली। तो अभी ना टाइम बताती हूँ आपको, देखो मैं ऐसे ये सब कुछ लगा के सो गई, मैं सो गई पता नहीं मेरे को तीन चार घंटे तो हो ही गए, 4 बज रहे हैं अभी, पता नहीं कितने बजे सोई मैं, देखते फोन चलाते ही सो गई मैं। मेरे को ना इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, फैन 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 भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है और मैंने सारी विंडो वगैरह खुली रखी। अब उठती हूँ और खाने वाने को बनाती हूँ कुछ। दिन को मैं इसलिए ज्यादा सोती हूँ ना क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाती, पूरी रात मेरे चक्कर बस वॉशरूम के लग रहे होते हैं। पहले मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, आज हम बनाएंगे राजमा, तो राजमा चढ़ा लेते हैं और साथ ही साथ मैं अपने खाने का देखती हूँ। सबसे पहले ही बोल रही हूँ सुबह से मैंने ये चने बॉइल करके रखे थे, सुबह के मैं ये चने खा लेती हूँ। और मेरे पास अभी ये भी है, वो ही खराब हो गई, इसका खाऊंगी मैं। तो अभी मैं खाऊंगी एक एप्पल, एक मैंगो और ये कुछ एप्रिकॉट्स। मैं सोच रही हूँ मतलब बाहर जाके खाऊं, बट बाहर खाने तो चले आऊँ ना, पर जो बंदर होंगे ना बाहर उनसे मेरे को डर लगती है, सोचा मैं यहीं बैठ के खा लेती हूँ क्योंकि बड़ा रिस्क है बाहर जाना और वो भी ऐसे खाने के साथ। कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि हम Q&A वीडियो करेंगे, तो हम ज़रूर Q&A वीडियो करेंगे, लेकिन मेरे पास पता क्या, अभी फ़ोन नहीं है, एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है, तो मैं ये चाह रही थी, मेरे को लिखने का मन नहीं है कि क्वेश्चन नोटबुक पर लिखूँ, मेरा ऐसा है कि एक एक्स्ट्रा फ़ोन हो फिर मैं उससे रीड करूँ और सीधा आंसर करूँ आपको क्वेश्चन के। तो इस व्लॉग में आप लोग पूछना अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों ने वहाँ पर भी काफ़ी पूछे थे और मैक्सिमम प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो मैं सारे आंसर करूँगी और इस बार अच्छे से करूँगी। तो अभी खा लेते हैं अपने फ्रूट्स और चलो आप लोग तब तक कॉमेंट कर दोगे क्या क्वेश्चन है आपका, ठीक है। रात देख के बच्चे बच्चे डर मत जाना, ये मेरा इतनी खौफ खुफिया लग रही। अभी 11 बज रहा है, जल्दी सो रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और खाना खाओगे? ये ऐसे ही सो गए बिना खाना खाए क्योंकि मैंने खा लिया था थोड़ा जल्दी खाना, फिर उसके बाद इनको ये था कि तो मन नहीं था, अब फिर सो गए, फिर अब भी खाना दे देती हूँ उनको। जैसे कोई यार ये लड़के लोग मतलब काम करे कि चल ठीक है, बट जो एक गंदे डालते हैं ना पूरा बिस्किट का कागज वापस फेंक के। तो खाना मैं भी फिर से खा लेती हूँ क्योंकि वो फिर से भूख लग गया, राज से मैंने राजमा चावल बनाया तो मैंने
मैंने पॉपकॉर्न बनाए, थोड़े से चावल लिए और भर भर के दाल लिया क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी लगती है और पतली पतली भी बनाई है मैंने और साथ में इसमें अच्छी मतलब अपने हिसाब से बनाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे जब से भी मेरा ये प्रेगनेंसी वाला शुरू हुआ मतलब तब से मतलब मेरी ही पसंद का खाना बनता है, मतलब पहले ऐसा होता था जैसे मेरे को बिल्कुल मसाले नहीं चाहिए होते हैं, मेरे को सिर्फ ये नमक मिर्च हल्दी ये तीन चीज़ें ही डलती है मेरे छौंके में। पहले ऐसा होता था दलजीत के हिसाब से भी डलता था, कभी जीरा डल जाता था कभी धनिया वगैरह ऐसे ऐसे, बट लेकिन जब से प्रेगनेंसी वाला ये चला है तब से मेरी ही पसंद के खाने बनते हैं, दालें बनती हैं, सब्जियां बनती हैं, जो मेरे को खाना होता है वही बनता है। ये दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं कल क्यू एंड ए वीडियो में, क्वेश्चन पूछना जो भी पूछना होंगे। वैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे बट फिर भी अगर कुछ रहता है शक्ल इग्नोर करो मेरे, ठीक है? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय।